हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। निकाल लीजिए हिंदी व्याकरण की बुक, वही करवा लेते ना आप लोगों को। इसमें क्या हो गया था, आप क्या करवा रहे थे बेटा आप लोगों को? मैम। बताइए। रेहान, प्रीति, रेशा, बताइए बेटा कहाँ सब विलोम शब्द। सब विलोम शब्द कराते, इसकी एक्सरसाइज पूरी कर लियो आप लोग। एक्सरसाइज पूरी हो गई कॉपी में? यस मैम। कितने लोगों ने किया है? मैंने नक्श आप? मैंने चलिए कॉपी पन कीजिए, देखें कहाँ तक की हो, दिखाइए सभी लोग। देंगे कॉपी बेटा, कॉपी कॉपी में कह रहे थे ना आप लोगों से करने के लिए, कॉपी दिखाइए। क्या हुआ बेटा? ध्यान बेटा, हम क्लास ले रहे तो हमें देखकर बताइए क्या हुआ। प्रीति माइक ऑन करो बेटा पहले। यस मैम, मैम मेरा यहाँ तक हुआ है। मैम मेरा देखिए। एक मिनट का, वेरी गुड बच्चा, आगे आगे दिखो, नीचे थोड़ा करो। सही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट। वेरी गुड, सही है आकाश, आपने सही काम किया, वेरी गुड। प्रीति आप दिखाइए बेटा। त्रिशा गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिवम। त्रिशा उसके बाद ठीक है, त्रिशा के बाद शिवम। यस मैम। काम आपने कॉपी में विलोम शब्द वाला पूरा? यस मैम। दिखाइए बेटा, वीडियो ऑन कीजिए, कॉपी दिखाइए। शिवम शिवम और प्रीति और विहाना, चार बच्चे हैं यहाँ पर, चार बच्चों ने नहीं दिखाया है इस टाइम। नहीं हुआ आकाश, क्यों शिवम, क्यों नहीं हुआ, रीजन बताइए क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो है नहीं कि हमने कल क्लास ली थी, सैटरडे को क्लास थी और संडे था टाइम, मंडे था टाइम, क्यों नहीं हुआ बताओ शिवम। क्यों नहीं किया बेटा, बताइए रीजन दे दीजिए हमको, बस पहले रीजन हमें बता दीजिए। मैम हाँ, कौन सी बुक है? हिंदी व्याकरण की जो विलोम शब्द कराए थे, ये वाला, इसके एक्सरसाइज आप लोगों को दिए थे करने के लिए, कॉपी दिखा दीजिए बस। ठीक
ठीक है अदिशा कॉपी थी विलोम शब्द एक्सरसाइज पूरा कृति क्या हुआ बेटा बताइए नहीं की हो आप भी कृति कॉपी में नहीं मतलब कॉपी में की हो हम ये पूछ रहे हैं मैम नो क्यों मैम मैंने याद किया लेकिन कॉपी में नहीं लिखा क्यों बेटा टाइम नहीं मिला कि किसने नहीं लिखा आपने हमने तो कहा था ना आप लोगों से हमने करवा दिया है कॉपी में इसको लिख लीजिएगा लाइन हेडिंग डाल के अच्छे से क्यों नहीं किया बिहान नाथ बताओ आपको क्यों नहीं किया आप लोगों ने इसने नहीं किया काम आपने तो ठीक है ईवीएस की क्लास चला करें सिर्फ ना यही मतलब हुआ ना कि ईवीएस की क्लास चला करें आज लास्ट टाइम दे रहे हैं ठीक है अब जब भी होमवर्क दिया करें कि कॉपी में करना तो इसका मतलब करना है ठीक है उसके बाद अगर सपोज आप लोगों का कुछ भी नहीं सुनेंगे हम ठीक है कि ईवीएस का कर रहे थे कि साइंस का कर रहे थे मैथ का कर रहे थे आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा ना इस टाइम एक ही दिन गैप पे सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो आपका क्या काम है कि सभी को काम पूरा करो समझ में आ रही बात yes, ma'am. नेक्स्ट है आप प्रायवाची ठीक है नेक्स्ट क्या है आपका पर्यायवाची शब्द है ठीक है पर्यायवाची शब्द इसका अर्थ होता है एक शब्द अनेक शब्द मतलब एक शब्द के यहाँ पर कई अर्थ होंगे जैसे एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकारा जाता है इसी तरह और भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अन्य नाम से उसे पुकारा जाता है या उसका दूसरा कोई भी नाम होता है ठीक है समझ में आ रही बात yes, ma'am. इसमें क्या होता है शब्द एक रहेगा आपका शब्द यहाँ पर एक रहेगा लेकिन उसको कहने का अर्थ अलग अलग शब्दों में रहेगा ठीक है मतलब समझ रहे हो कि नहीं एक शब्द के कई अर्थ होते हैं या एक शब्द को हम कई नामों से जानते हैं इसका सीधा सा ये मतलब है ठीक जैसे जो शब्द समान है लेकिन एक चीज ये याद रखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अर्थ अलग अलग है तो आप शब्दों को नित्या बेटा सही से बैठिए क्लास में जिस तरह से क्लास में बैठा जाता है सही से बैठिए आप यहाँ क्लास में सोने नहीं आ रही हो ठीक है कि आपका जैसे मन है आप वैसे क्लास में बैठ जाओ ठीक है तो यहाँ पे क्या ये एक बात लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो समान अर्थ दे ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग अर्थों में आप उसको अलग अलग अर्थ दे रहे तो अलग अलग शब्द लिख दो नहीं एक शब्द होंगे भिन्न भिन्न शब्द होंगे लेकिन उनका अर्थ एक समान होगा पर्यायवाची यही होता है इतनी चीज क्लियर है सभी को एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं
ठीक है, या इसी को हम समानार्थी शब्द, समानार्थी का क्या मतलब है, समान अर्थ बताने वाले शब्द। ठीक, समझ गए ये बात, कितने लोगों को समझ। जैसे आप ही लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दें माँ, ठीक, हमने माँ लिखा। आप चलिए बताइए आप लोग क्या बोलते हो माँ को? मम्मी 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 मम्मी। और माता बोला जाता है, माता, वेरी गुड, माता, अम्मा, नहीं बेटा अभी पेज नंबर 42
शिवम आप हमसे बताइए आग का क्या क्या होता है, इसको कितने नामों से जानते हैं हम लोग? अग्नि अग्नि और और बताइए, आपने बोला अग्नि, और एक नाम और बताइए, बताओ शिव जल्दी बताओ, टाइम फिर नहीं है ना सभी से पूछना है। हाँ भारत, फिर से बोलो बेटा, नहीं समझ में आया तेज बोलिए। भारत मैम, सर मैम, नहीं बेटा सुनो शिवम, इंग्लिश में नेम नहीं बताना है, आपके इंग्लिश में जो वर्ड है उनके अलग है, सिनोनिम्स जो होते हैं उनके वर्ड्स अलग होते हैं, आपको हिंदी में ही बताना है। बताइए नहीं पता तो बेटा बोलिए, हम आगे बढ़े, और भी बच्चे हैं वेट कर रहे हैं। नहीं पता, किसी और को पता है अग्नि को और क्या कहते हैं? अभी जब बताओ त्रिशा, अनल अनल, वेरी गुड, अग्नि को अनल भी कहते हैं और एक पावक भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, अग्नि अनल पावक। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है? बताइए आकाश, आकाश कुमार सिंह, जमीन का क्या होता है, दो अर्थ बताइए। धरती, धरती, वेरी गुड, और धरा, धरा, नित्य दिख रहा है आपको, पेज नंबर 42 पर है, हिंदी व्याकरण की। धारा और क्या होता है, और भी कोई नाम होता है? भूमि, भूमि, इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, धरती, धारा, भूमि, मातृभूमि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, त्रिशा, त्रिशा, यस मैम, ईश्वर का क्या क्या होता है? प्रभु, प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमात्मा, भगवान, ठीक। नेक्स्ट है प्रीति रॉय, बेटा आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश बेटा आपका नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है? नव, वेरी गुड, नव, और गगन, गगन, और
है उन गगन के अलावा? एक बड़ा, एक आपका होता है अंबर, ठीक है, नव गगन अंबर। इन तीन का मतलब क्या है? आकाश से मतलब है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। रफ करें यहाँ तक, रफ करें फिर आगे चलते हैं। मुझे कोई दूसरा दिखा दे। फिर है आपका अभिजा, अविका जो भी नाम है आपका बेटा, अविका। यस मैम। संसार का बताइए कि क्या समानार्थी शब्द होगा? संसार का समानार्थी शब्द क्या होगा? मतलब उसका शब्द अलग अलग होगा लेकिन अर्थ एक समान है, बताइए क्या है वो? बताओ अविका। विलोम शब्द इत्र उत्तरा। जल्दी बोलो बेटा, जैसे सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी बताया आप भी बताइए। संसार को तो आप जानते ही हैं ये चीज, आपको जिस संसार में रहता है उसका नाम को तो आपको पता होना चाहिए। बोलो अविका। नहीं बता, नहीं बेटा जाने दीजिए, आप नहीं बता पाएंगी। विहान, विहान भूख, खाना खा लो जाके, मैंने पेंसिल खा रहे हो बैठकर। जगत। संसार का क्या होगा? जगत। नित्या ने बताया जगत, वेरी गुड। और क्या होगा नित्या? नित्या और बताइए, संसार को हम लोग जगत के नाम से जानते हैं और? और दुनिया, ठीक है, विश्व दुनिया। चलिए नेक्स्ट है आप। नित्य आप नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है, नेक्स्ट बच्चों से पूछ ले लीजिएगा। विहान। यस मैम। बताइए पिता का क्या होगा? पापा। क्या? पापा। पापा। और क्या होगा? और क्या बोली हो? पिता का आपको जनक, वेरी गुड। और क्या होता है? पिता का आपका हो गया पापा, जनक, डैडी। डैडी नहीं होगा बेटा क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड है, आपको हिंदी में ही बताना है। बोलो बेटा, एक होता है आपका बाप, ठीक है। फिर है आपका नक्ष, सखा का बताइए क्या होगा? सखा। सखा हमने दिया मित्र। हाँ मित्र। मित्र और दोस्त। और बताइए मित्र, सखा का मित्र हो गया और दोस्त। दोस्त, वेरी गुड। और
और नहीं पता? नो मैम। साथी, आप लोग के भी साथी होती है ना, एक सुने होगे चल मेरे साथी, उसमें कौन है, हाथी की बात की गई है ना। चलो नेक्स्ट है आपका अदीजा, आविका। यस मैम। चलिए बेटा पानी का बताइए क्या होगा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होगा? पीना। नहीं बेटा, कहने का यहाँ पे और से देखो, हम तुमको समझा दे रहे, तुम्हें पता नहीं, इस वजह से शायद आंसर नहीं बता पा रही हो, हम तुमको यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे जगत का मतलब संसार होता है, विश्व का मतलब भी संसार से मतलब है, दुनिया का मतलब भी संसार से मतलब है। शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ एक समान है, यहाँ पर है ना बात कही जा रही है, उनके शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ एक समान है। इसी तरह आपको पानी का बताना है कि आपके ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका अर्थ पानी ही निकले। अभी का बेटा सुन लो, बाद में बात कीजिएगा। बताओ क्या होगा ऐसे पानी का बताना। गलत। पानी का और क्या होगा बताइए। कौन? बताओ। बोलो ना, आप बताने खातिर कह रहे हो, बताइए। मैम जल। जल, वेरी गुड। जल त्रिशील। नीर तो आया। नीर और क्या होता है? तो आया। मैं कैमरा ऑन कर सकते हैं? तो आया। तो आया का क्या चीज नहीं समझ में आया? ता या? यस मैम। मैम पाया पाया होता है। हाँ लिख रहे बेटा। देखो ये बोल रही हो ना बेटा। यस मैम। हाँ यस मैम। देखो अदीजा आपको समझ में नहीं आया था, जल मीन्स भी पानी होता है, नीर मीन्स तो है मतलब भी पानी से ही मतलब है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, okay? ये जितने भी हैं, चलिए अब ऐसे बताइए जल्दी जल्दी, शिवम शिवम बोल नहीं रहे बेटा, माइक ऑन करो। चलिए शिवम इस टाइम नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आकाश, आकाश कुमार सिंह। हवा। हवा का समानार्थी शब्द क्या होता है? वायु। वायु समीर। समीर है, समीर है, ठीक है, समीर नहीं है, समीर है। पवन। विहाना। यस मैम। विहान से पूछ रहे हैं, ठीक है। बाघ का पहला पक्षी शब्द क्या होता है?
रिहान बताइए जल्दी जल्दी, बाग, बाग मतलब क्या होता है? उपवन वाटिका बगीचा, उपवन वाटिका बगीचा, ठीक है। अभी का बीच में आंसर मत बोलिए बेटा, हम नाम ले रहे थे, ठीक है। इस बार आंसर बता दिया मत बोलिएगा। फिर उसके बाद है कृति राय। कृति, यस मैम। बेटा का क्या होगा समानार्थी शब्द? बेटा का पुत्र और पुत्र सुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है नित्या। यस मैम। ये बताइए औरत का समानार्थी शब्द क्या होगा? औरत का और बता लोगी नित्या? वो औरत वाला शब्द मिले तभी तो बताऊं। नहीं मिला? अपने दिमाग से सोच कर बताओ थोड़ा, बताओ। आप इतने स्मार्ट हो, दिमाग थोड़ा लगाओ। औरत का क्या होगा समानार्थी? मैं जानती। नहीं जानती हो? मैम हम बताएं। बताओ अदीजा। बेटा टाइम ओवर होने वाला है। महिला। वेरी गुड। मैम नारी। नारी। त्रिशा। त्रिशा। बेटा रात का क्या होगा समानार्थी शब्द? रात्रि। निशा। रात्रि। निशा। लक्ष्य। यस मैम। मैम मेरा होगा। घर का समानार्थी शब्द क्या होगा? मैम घर। आप जिस घर में बैठे हो उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? भवन। भवन। वेरी गुड। और घर। घर। चलिए और कोई भी होता है? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ये जो ये एक्सरसाइज है दिख रहा है सबको? कराएंगे जो इसके पहले वाली जो आप लोगों ने नहीं किया इसको कर लो, ठीक है। कॉपी में बैठकर लिख लो। याद दिखाओ ना ये वाली बेटा, इतने ना पेज नंबर है फोटो निकालो। निकाल लिए। नित्या को कह रहे बेटा 44 वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। मैम कॉपी में करना है? नहीं अभी नहीं, इसके पहले वाला जो करवाया उसको कॉपी में करना है, ठीक है। होने वाला है, ठीक है। होने वाला है आपको पता चलेगा। चलो जितना काम बाकी है उसको कर लीजिए पूरा।
44 ये। हाँ आ गया, मिल गया ना। चलो ठीक है, बाय बच्चों। बाय मैम। बाय मैम।